एक भाई का मैसेज आता है और मैसेज में वो मेरे से एक सवाल पूछते हैं और उसी सवाल का इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है। दोस्तों, आप रीसेलर हैं तो आपने एक चीज़ कभी ना कभी नोटिस की होगी, जैसे मीशो, ग्लोरोड, शॉप 101 वगैरह वगैरह जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें 6 महीने की, 1 साल की वारंटी या गारंटी दी जाती है, लेकिन वो लोकल ब्रांड होती है, कोई वैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं होते जिनके सर्विस सेंटर जगह जगह हों, लोकल ब्रांड होती हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, जब लोकल ब्रांड हमारे पास डिलीवर हो जाते हैं या कस्टमर के पास डिलीवर हो जाते हैं, 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने में वो खराब हो जाते हैं, मतलब उसकी जो वारंटी पीरियड है उससे पहले खत्म हो जाते हैं या उसकी जो गारंटी पीरियड है उससे पहले खत्म हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में उसे रिप्लेस कहां से करें या रिपेयर कहां से कराएं, ये दोनों चीजों को समझेंगे। और अगर आपका कस्टमर ये बात बोलता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट कस्टमर के लिए ऑर्डर किया, उस पर 6 महीने की वारंटी है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और वो कस्टमर को डिलीवर हो गया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो प्रोडक्ट में कुछ इशू आ रहा है या खराब हो गया है, तो उसके बाद आप उसे कहां पे एक्सचेंज करा सकते हैं, कस्टमर को कैसे गाइड करोगे कि कहां से ये एक्सचेंज अब होगा। तो इसके लिए मैंने अलग अलग कंपनियों से बात की। सबसे पहले मैंने मीशो से बात की, ग्लोरोड से बात की, शॉप 101 से भी बात की इस बारे में, इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों से भी बात की कि आपके प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे प्रोडक्ट सेल होते हैं जिनके सर्विस सेंटर नहीं है और वो लोग गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, तो कहाँ पे चेंज करा सकते हैं। तो मैं सभी को मिक्स करके बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। सबसे पहली चीज, जो लोकल ब्रांड होते हैं वो जब कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कराते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा कार्ड भेजते हैं, आपने अगर देखा हो तो वारंटी कार्ड होता है, वारंटी कार्ड पर सभी डिटेल्स दी होती हैं, वारंटी कार्ड पर कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, ईमेल आईडी भी दी होती है, इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई इशू आता है तो आप उस वारंटी कार्ड के दिए हुए नंबर पर कॉल करके उनसे बात कर सकती हैं, उनको अपने इशू के बारे में बता सकते हैं कि ये हमने ऑर्डर किया था, इतने तारीख को किया था और ये इशू आ रहा है, उसके बाद होम रिप्लेसमेंट की सर्विस वो देते हैं, आपके घर से उस खराब प्रोडक्ट को हटवा लेंगे और अपने यहाँ पे मंगा लेंगे और वो रिप्लेस हो जाएगा। दूसरी चीज, बहुत कंपनियां ये भी करती हैं कि जैसे जो वारंटी कार्ड होता है आपने उन्हें इन्फॉर्म किया तो आपसे इमेज मंगाएंगे और प्रोडक्ट की डिटेल्स मांगेंगे कि क्या दिक्कत हुई है, कहां से खरीदा था, क्या बिल वगैरह आपसे मेल कर पाएंगे, उसके बाद आपको उनके एड्रेस पर भेजना होगा, उसके बाद वो नया आप प्रोडक्ट आपके पास उस गारंटी के तहत भेज देंगे। इसके अलावा अगर आपके में जो कार्ड होता है वो कार्ड नहीं निकलता, बहुत बार मीशो के प्रोडक्ट होते हैं, ग्लोरोड के होते हैं, जिनमें गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड नहीं निकलता, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। ये जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके प्रोडक्ट में कोई इशू आ रहा है और वो गारंटी या वारंटी के अंदर है तो आपको बिल मिलता है और उस बिल पर उस सेलर की डिटेल दी हुई होती हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो मीशो, ग्लोरोड, शॉप 101 है वो एक रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत बार वो बिल को छिपा लेते हैं, मतलब बिल को पब्लिकली नहीं दिखाते, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया उस कंडीशन में आपको रीसेलिंग एप्लीकेशन से कॉन्टैक्ट करना होगा, उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा कि इस प्रोडक्ट में ये इशू है। ये जो रीसेलिंग एप्लीकेशन वाले हैं वो आपके डाटा को उस सेलर को भेजेंगे जिनका वो प्रोडक्ट है और वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कराएंगे या रिटर्न कराएंगे, जो भी उसका हो सकता है वो चीज़ कराएंगे। बहुत सारे सर्विस सेंटर ऐसे हैं लोकल ब्रांड के थोड़े दूर है, जैसे कि आप अगर आगरा में रहते हो तो दिल्ली में हैं, तो इस तरीके से भी हैं, तो वहाँ पे भी आप जाके चेंज करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि जैसे आपके में कोई इशू आया, आपने कंपनी से कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपको अपने लोकल एरिया में, आपके एरिया में जो भी उनका सर्विस सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर है या दुकानें भी हैं जहां पे उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं, वहां पे एक्सचेंज करवाने की सुविधा आप लोगों को दे देते हैं, आपको बता देते हैं कि इस एड्रेस पे यहां पे आप चले जाइए और वहां पे जाके आप इसे बदलवा लीजिए या ठीक करवा लीजिए, ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मेरे साथ हुआ उस एक्सपीरियंस को भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो ये था जब कॉल पे मैंने रीसेलिंग एप्लीकेशन वालों से बात की और दूसरी ई कॉमर्स वालों से बात की, ई कॉमर्स वेबसाइट के जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उनसे बात की। लेकिन अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाऊं तो कहते हैं ना, जैसी बातें कही जाती हैं वैसी बातें होती नहीं है।
एक बार मैंने सैमसंग के जो कॉपी वाले हेडफोन आते हैं ना वो ऑर्डर किए थे। मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा वरना ये लोग बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बस आप हिंट के लिए समझ जाइए। तो जब मैंने वो ऑर्डर किए, ऑर्डर करने के 5-6 दिन चले और वो ख़राब हो गए। जब मैंने उनके डिस्क्रिप्शन में देखा तो 6 मंथ की वारंटी लिखी हुई थी, सेलर की भी डिटेल दी हुई थी। तो मैंने सेलर से कॉन्टैक्ट किया था, सेलर ने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया मेल आईडी पे। उनको कॉल लगाया, कॉल पिकअप नहीं हो रहा था, ऐसे टू 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 करके कट जा रहा था। उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, इस रीसेलिंग कंपनी से जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ है, ये इशू है। उन्होंने क्या किया कि उसका इनवॉइस निकाल के मेरे को सेंड कर दिया और उस इनवॉइस को मेल करो, ये कंपनी की मेल आईडी है। ऐसे प्रोसेसिंग चलती रही, लेकिन फाइनली वो लास्ट तक बदला नहीं, बहुत इशू आए बाद में। मतलब मैंने और भी आगे स्टेप लिए, कंपनी से कॉन्टैक्ट किया, बार बार कॉल किए। उसके बाद उन्होंने सेलर से भी कॉन्टैक्ट किया, फिर वही बात कि आप हमारे यहाँ प्रोडक्ट को भेज दीजिए और जो शिपिंग चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर शिपिंग चार्ज आप दे दोगे और प्रोडक्ट आपकी मिस्टेक से कुछ खराब हुआ जो गारंटी पॉलिसी या वारंटी पॉलिसी के तहत नहीं आता तो हम उसे रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारी उन्होंने अपनी पॉलिसी बता दी थी, जिस वजह से वो प्रोडक्ट रिटर्न कभी हो ही नहीं पाया और मेरे पास फालतू में अभी भी पड़ा है। फिर मैंने ओरिजिनल सैमसंग के हेडफोन लिए जो कि मैंने अमेजोन से खरीदे थे। तो ऐसा हुआ, तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो दिखाई जाती हैं कि ऐसे वारंटी कार्ड निकलेगा, कंपनी को कॉल कर देंगे, वो पिकअप बॉय आ जाएगा, ले जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं। ये बस थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, दिखाई जाती हैं कि हाँ इस तरीके से आप करा सकते हैं। अगर आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो क्या आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज हो गया है क्या गारंटी पीरियड के तहत, अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है किसी लोकल ब्रांड की तो रिटर्न, रिफंड या रिपेयर करके दिया है या नहीं, वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन ये कंपनी जो पॉलिसी बताती है, आपको जो प्रोसेस बता रही थी कि विजिटिंग कार्ड मिलता है, कंपनी से कॉन्टैक्ट करो, गूगल से उनके नंबर ले सकते हैं, कंपनी की डिटेल ले सकते हैं, उनके जो सर्विस सेंटर हैं आपके एरिया में उन्हें गूगल से सर्च कर सकते हैं, गूगल मैप से कर सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी थी मेरे को। और इसके अलावा आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी सेलर से कॉन्टैक्ट करा देंगे, सेलर से बात करेंगे आपके इशू के बारे में और उस इशू को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, रियलिटी में ऐसे नहीं होता। ये पागल बनाते रहते हैं, जो मैं जैसे पागल बनाता, डेट पेंडिंग जाती रहती है, मेल करते रहो रेस्पॉन्स आ रहा है, आज मेल कर रहे हो 2 दिन बाद रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारी कंपनियां रेस्पॉन्स करती ही नहीं है, तो ऐसे इशू आते हैं। तो ये गारंटी वाले जो पीरियड हैं, वारंटी वाले पीरियड हैं, पीरियड वाले प्रोडक्ट हैं जिनको आप रीसेल कर रहे हो, तो उसमें से उसको हटा दीजिए, क्योंकि आप हटाओगे नहीं तो कस्टमर आपको परेशान करेगा और कस्टमर आपका ख़राब होगा। तो इन चीज़ों की जो इलेक्ट्रिकल आइटम है उनकी गारंटी और वारंटी ना दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।